तक संदूक में बंद करके गंगा में बहा दिया और उस तोते ने ले जाके पूरा षड्यंत्र जो रचा हुआ था राजा देवव्रत के सामने रख दिया। नो बोले के यो होया सतरी रानी के। राजा देवव्रत ने बताते भीत में टक्कर मारी। नो बोले अरे 9 महीने तक आस लाग रही के कर्मा की गत उल्टी फिरगी के ब्राह्मणों के वेद झूठे के बे माता चाला की करगी। न बोला रहा उस गांधारी का होया लोथड़ा वेद व्यास की चतुराई। 100 बोटी जब करी काट के 1 बोटी छोटी पाई, फिर 100 घी की मटकी भरवा के 1-1 बोटी फटवाई। 99 लड़के 1 लड़की जो संध के राजा के ब्याही। ऐसा कहरो वंश चल गया के काट के गैल सला तिरगी के ब्राह्मणों के वेद झूठे के बे माता चाला की करगी। ने बोले अरे किसे किसे का तो 100-100 है वंश चाल्या, अरे मेरे एक में भी धोखा। राजा बिल्कुल उदास और गुस्से में आकर रानी को महल से बाहर निकाल देता है। ने बोला तो मेरे महल में दिखाई नहीं देनी चाहिए, मन तेरी कोख से उम्मीद थी कि तू एक लड़के को जन्म देगी। सजनो रानी फूल कुमार राजा ने धक्के मार के महल से बाहर निकाल दी। 3 रोज बीत जाते हैं। जंगल बियाबान में भटकती हुई एक अंधे ऋषि की कुटिया पर जाती है, वहां आश्रय मिला उसको और न्यो कहा करे के जब परमात्मा ने किसी का क्या बिगाड़ना हो तो बिगाड़ दे, जब बनाना हो तो बनाया भी करे, और चाहे को बिगाड़ने में कितना अंगा लाए जाओ लेकिन परमात्मा जब बनाओगा तो जरूर बनेगी। वो एक दिन लक्ष्मी जी ने बोली विष्णु भगवान ते के हे स्वामी, मैं आपकी हर एक बात को बारीकी से समझती हूं लेकिन जब आप बिल्कुल शांत होते हो और मंद मंद मुस्कुराते हो, आज तक आपकी इस मुस्कुराहट का राज मेरे को पता नहीं लगा। विष्णु भगवान ने बोले कि मेरी मुस्कुराहट ने भी ना छोड़ के तो और सारा भेद ले लिया, यो भेद भी लेके मानेगी। ने बोले कि देखे मैं आपके अध्ययन की साजी हूं और जन्म जन्मांतर का हमारा नाता है, आपको बताना चाहिए। मैं हमेशा शंका में रहती हूं कि स्वामी मंद मंद क्यों मुस्कुराते हैं, क्या बात है, क्या विचार होता है उस समय आपके मन में। तो विष्णु भगवान ने बोले कि जब बूझ जली आते तेरे को बताता हूं मेरी मंद मंद जो मुस्कान है उसका क्या भाव है और क्या उसका मतलब है। नोला जब मैं इस सृष्टि को देखता हूं, मृत लोक पर नजर घुमाता हूं, इस पृथ्वी पर जब मेरे को मंदी मंदी हंसी आती है। वान बोली सा के देखे है जो तू हंसे, स्मृतलोक ने तो मैं भी देखू मन तेन सज हसी ना आती। नबला मेरे को धीरे धीरे हसी इस बात पाती है कि जब मैं किसी का कुछ छीनता हूं ना और या दुनियादारी उसका सारा लाओ है तब मैं हंसता हूं, रे मूर्खो कितना सारा लाओगे जब मैं छीनने वाला हूं, मैं तो इतना छीन लूंगा तुम सारा लगाते लगाते थक जाओगे। और दूसरी ऐसी जब आती है जब मैं किसी को कुछ देता हूं और ये दुनिया वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ बुरा करते हैं, उसका छीनते हैं, मेरी तो देने की कोई सीमा ही नहीं। जब मैं अपनी मर्जी तक दूंगा तो यह दुनिया कितना खोस लेगी, छकाए दूंगा खोसनिया ने भी, उन मूर्खों पर भी मेरे को हंसी आती है। रानी दुखी, 3 दिन बीत गए लेकिन परमात्मा ने तो जो देना था वो दे रखा था। उस अंधे ऋषि की कुटिया पे 3रा दिन हो गया भूखी तेसाई ने, उस ऋषि के 2-4 बर्तन पड़े हुए थे। नु सोची ले गंगा के कंठारे न मांझ लाऊं। उधर से जो लड़का 9 रत्न पेटी में बंद करके बहा दिया था उन दूसरी रानियों ने, वो काट का बक्सा भी नु सहज सहज तिरता तिरतर जित रानी बर्तन धोन लाग रही थी उड़े आ गया। नजर पड़ी रानी के यो के बताया,
सहज सहज कति कंठारे लाग लिया तो वो बक्सा काट लिया रानी ने। और जब वो बक्सा खोल के देखा तो एकदम उड़े ध्यान गया जो ब्राह्मणों ने जो बात कही थी, एक लड़का होगा रानी इस फूल कुंवर की कोख से, और ऐसा ऐसा लड़का होगा, उसके माथे में एक अलग चिन्ह होगा और इतना तेज होगा कि उसके समान तेज किसी का मिलेगा नहीं। जब वो बक्सा खोल के देखा ने कहा, अगर मां तो अपने बालक ने मैं कार्ते भी पहचान ले। कहा के खोल का संदूक देखी जब नौरतन की शान, बोला मां तो बेटा न्यारा हो जाके बाज लेगी तान। अपने बच्चे को पहचान लेती है, उसको बक्से से निकाल के उसकी लाड लड़ाती है। नवली रे बेटा, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा करया किसी ने, जो कि तीन दिन में तू आज मिलया मनरमत, सबर का मुक्का मार के बैठ गई थी। मेरे को विश्वास था कि लड़का पैदा होया है, लेकिन मेरे को दिखाया नहीं गया। कैसे लाड करती अपने लड़के के। अन्य बोली, देखे तेरे बाबू ने जब बेरा लाग जाना अग्नियों ने मेरा लड़का होया है, तो बेटा तेरे इतने लाड लड़ाता मैं भी नहीं लड़ा पाती, क्योंकि मेरे से ज्यादा बाट उसको थी। क्या कहती है, कैसी लाड लड़ाती है अपने बच्चे के, क्या दर्शाया बोला। तू संभल में पैदा होया अपने देश में, अपने राज्य में और अपने पिता के राजमहल में, उस समय अगर न्योका ने तेरे बाबू के दोहरे जाता तो वो कितना खुश होता। क्या कहती है, न्यू बोली रे संभल ओ तात पिता तेरे आर्य जी बातलवे चाटे हे, और करोड़ों रुपए खर्च कर देता वो सोमन सोना बाटे संबल में वो तात देता तेरे जी बातलवे चाटे, करोड़ों रुपए खर्च कर देता वो सोमन सोना बाटे। संभल में होता तो पिता तेरे जीभ बातलवे चाटे बेटा, और करोड़ों रुपए खर्च कर देता हो तो सोमन सोना बाटे। उन ब्राह्मणों की वाणी को याद करती है, क्या कहती है बोला, ये रे तेरे पिता के दोरे आगे, कुछ ब्राह्मण वेद्याचारी तेरे पिता ने उनके पैर पकड़ लिए, देखे थी नगरी सारी। तीन दिन तू न्यारा था, तीन रोज ते मैं न्यारी, तेरे माँ के गर्भ ते जन्म लिया क्यों, छोड़ चल्या था मैं तारी। देखिए रसी कोटी पे आरसी कोटी पे ना आती ते मन क्यों कर बेरा पाटे, करोड़ों रुपए खर्च कर देता।
हमारे आदरणीय श्री बल्लू नांदल जी काफी नाम पहले 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता, धन्यवाद। ये तीन रोज ते बिछड़ रहे आठा मत जाड़ बोझड़े तो थी, भूख रही ना प्यास रही मैं ना जगू ना सोती, देखे तीन रोज की भूखी फिर भी डेढ़ टिकड़ा पौथी, कुछ काला काला नजर पड़िया मैं बैठी बर्तन धोती, जय गंगा जी पे देखे गंगा जी पे ना आती ते मन चुकर बेरा पटे, तीसरे नंबर पर रानी ने विचार करा दिमाग लगाया, तेरे साथ ये धोखा होया तो होया क्यों करे, वहीं पर सोच गई रानी की कि जब तने लड़के को जन्म दिया उस समय या तो तेरे पास दाई थी या तेरी दोनों शौक थी, राजा की दो छोटी रानियां थी उनके बारे में विचार करती है, कौन ने मेरे साथ छल कराया कैसे, देखिए जो ब्राह्मणा ने बात कही वा बिल्कुल आज सही होगी, राजघरा की कदे रानी थी आज बिल्कुल रही बही होगी, देखे मेरी एकली की न पार बसाई वो जड़ में सोके कई होगी, अरे चाल कोटी पे तेर चून मसल दो या एक कसर रही होगी, न तजी सा आया था तेरे जी साया था चलिया जाता तेरी कौन और नाल काटे करोड़ों रुपए, संभल में वो तात पिता तेरे जी बात वे काटे करोड़ों रुपए। ये रे सोमन पक्का यो तो बोझ राम ने सोमन पक्का, अरे शीश मेरे पगेरिया से तेरे पितासी शक्ल तेरी और उस वर्गा चेरा से, अरे तोता हो गया नू तोता हो गया कुण बारू के देरिया से, लक्ष्मी चंद ने जाक कहूंगी ले यो ए बेटा तेरा से, एक मांगे राम ये मांगे राम गवाह था पक्का
वो भी खुलासे नाटे